सारा सफर मेरा है ना, तू मुझको बता दे। नहीं नहीं गए पर ये है गोकुल धाम सोसाइटी से अंदर एक नई सोसाइटी बन रही है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी सड़क बन चुकी है, अभी और प्लाटिंग प्लाट जिसने खरीदा होगा वो घर बनाएगा, बट बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से ना बोलना चाहिए तो आपको जहाँ तक ये सड़क दिख रही है वहाँ तक मकान बन सकते हैं और आगे भी बनेंगे, ऐसा नहीं है। और ये जो है बिल्डिंग, जितनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग ना भाई, ये सब गोकुल धाम शिक्षक कॉलोनी की है और सब हाई फाई है, डबल डबल माले की बिल्डिंग है। यहाँ पर लोग वाग रहते हैं क्योंकि, और मैं अभी यहाँ पे हूँ, ये मेरी साइकिल है। मैं घूमने आया था क्योंकि मैं देखना चाहता था यहाँ प्लाटिंग हुई तो कितना अच्छा नज़ारा लगता वहाँ का देखने का। मैं एक नई लोकेशन में होना चाहिए, नई जगह में हूँ जहाँ पे प्लाटिंग हुई है, अभी मकान बनने बाकी हैं, अभी मकान नहीं बना है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत है। बाकी तो बहुत कुछ है यहाँ, तो अभी मैं हूँ गोकुल धाम सोसाइटी में और यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे पेपर ही बांटना है। तो ये है खूबसूरत बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ, बहुत ही खूबसूरत हैं, सब अमीर लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ की बात ही कुछ होती है। और ग्रीन सिटी खेरमाई का पार्क अभी बना नहीं है, जब बन जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा। और मैं बाहर जा रहा हूँ अभी यहाँ से। ये है महाराजपुर का गुरुद्वारा, बहुत ही खूबसूरत है। अंदर से और भी आ रहा हूँ यहाँ पर पुराने RTO ऑफिस, क्योंकि मुझे जाना है पेपर बांटने के लिए। अभी पहुंच चुका हूँ पुराने RTO ऑफिस, यहाँ पे माल गोदाम बन चुका है पूरी तरह से और नया RTO ऑफिस बना है आगे यहाँ से 10-15 किलोमीटर। तो मैं दिखा देता हूँ फिर इस महाराजपुर का, यहाँ लाइसेंस बनते हैं, इंश्योरेंस के कागज़ बनते हैं, बहुत कुछ